ना आपके प्यार करने के तरीके मुझे प्यार दिला सके और ना ही आपकी किताब मुझे मौत। अरे मगर ये किताब मैंने तुम्हें तो नहीं दी थी। मुझे मिल गई। फैंटास्टिक, प्यार करते करते मौत के दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत। आपके कहने के मुताबिक प्यार पाने के लिए अमीर होना जरूरी था ना। मैंने झूठ बोला कि मैं अमीर हूं, लेकिन मेरा झूठ सच में बदल गया। फैंटास्टिक, लेकिन कैसे? एक बहुत ही बड़े सेठ ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। फैंटास्टिक, फिर तो प्यार जरूर मिला होगा। प्यार मिला, लेकिन मेरी महबूबा को दौलत से नफरत है। इडियट, महबूबा बदल डालो यार। अजय साहब, प्यार एक बार किया जाता है, बार बार नहीं। प्यार एक बार किया जाता है, बार बार नहीं, बहुत अच्छी लाइन है। बट ऐसी लाइन मिले तो मुझे देते रहना। फैंटास्टिक लाइन। क्या हुआ फिर? क्या हुआ? मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानी। मैंने वकील से भी कहा कि मुझे ऐसी दौलत से छुटकारा दिला दो, लेकिन उसने कहा कि सेठ जी की वसीयत के मुताबिक 7 साल तक मैं इस दौलत से छुटकारा नहीं पा सकता, और अगर इन 7 सालों के बीच में मर गया तो सारी की सारी दौलत ट्रस्ट में चली जाएगी। फैंटास्टिक, कहानी में दम है। और अब जब मेरा प्यार मेरे साथ नहीं है तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? मैंने मरने का सोचा, लेकिन आपकी इस किताब के सारे तरीके बेकार है। यहां तक कि मैंने आपका वो आखिरी तरीका भी आजमा लिया। मैंने गुंडे को 1,00,000 रुपए दे दिए मुझे मारने के लिए, लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूं। ये क्या पागलपन है प्रेम? जिंदगी एक खूबसूरत तोहफा है ऊपर वाले का, इसे खत्म करना तुम्हारा हक नहीं। तो फिर ये किताब आपने किसके लिए लिखी? ये किताबें ट्रेन और बसों में टाइम पास करने के लिए लिखी जाती है। शायद तुमने ये किताब पूरी नहीं पढ़ी। इसके आखिर के पन्ने में ये मैंने साफ लिखा है कि तमाम तरीके सिर्फ पढ़ने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए नहीं। देखो प्रेम, जिंदगी से इस तरह निराश होना बुजदिली। अब तुम जवान हो, हट्टे कट्टे हो, और हम तुम्हारे साथ। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका मिलेगी, और जरूर मिलेगी। सिर्फ मुझे उस लड़की का नाम बताओ। प्रिया। प्रिया, पता? 34 पाली हिल। 34 पाली हिल? क्या तुम इस लड़की को वाकई चाहते हो? भाई साहब, मैं उसके लिए जान दे रहा हूं, और आप मुझसे पूछने के चाहते हो? चलो मेरे साथ। कहां? अरे आइए तो सही। आइए। प्रिया। अरे भैया। प्रिया, तुम किसी प्रेम नाम का लड़की को जानती हो? कौन प्रेम? प्रेम वो जो गोल्डन टच गैरेज में काम करता, वो प्रेम। ये प्रेम, क्या तू उसे चाहती है? तूने मुझसे वादा किया था अगर तू किसी से प्यार करे या किसी को चाहे तो मुझे पहले बताए। हाँ, वादा किया था, अगर वो मेरे इम्तिहान में फेल हो गया। तुम्हारे इम्तिहान में? हाँ, मेरा इम्तिहान। अगर किसी भिखमंगे की झोली में करोड़ों रुपए भर जाए तो वो उसका इस्तेमाल कैसे करेगा, इसका अंदाजा शायद आप लगा सकते हैं। और मैं दौलत के भयानक रूप को देख चुकी हूँ। क्या उसने अपने पैसे से तेरे प्यार को खरीदने की कोशिश की? क्या की हो या ना की हो, मगर आप क्यों उसकी वकालत कर रहे हैं? क्योंकि वो एक नेक, शरीफ और अच्छा लड़का है, और तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है। होगा नहीं है, तुम्हारी जिद की वजह से उसकी जान जा सकती है। और उसने मेरे खुदकुशी करने के सारे तरीके आजमा लिए। ट्रेन के पटरी पे लेट गया, फांसी लगा ली, बिल्डिंग से छलांग मार ली, जहर पी लिया। किसके लिए? तेरे लिए। क्या? और आखिर में तंग आकर उसने वो तरीका आजमाया है जो सबसे खतरनाक है। अब वो जिंदा भी रहना चाहें तो वो लोग उसे जिंदा रहने नहीं देंगे। किराए के खूनी प्रेम ने उन्हें 1,00,000 रुपया दिया है अपने आप को खत्म करने के लिए। नहीं, नहीं, नहीं। मैं तुम्हारी सब किताबों को आग लगा दूंगी, खाक कर दूंगी। अगर मेरे प्रेम को कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। नहीं बहना, तो फिक्र मत कर, मेरे होते हुए तेरे प्रेम को कुछ नहीं होगा। ये मेरा वादा है तुमसे। जा नीचे बहना, फिक्र मत कर, जा तू।